आज यहाँ इन्होंने जाति के आधार पर भी लड़ाई करवाने लग रहे। सरकार चला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, आप जांच करो, यदि हमारी गलती हो तो हमें गिरफ्तार करो, नहीं तो ब्रिजभूषण गिरफ्तार करो। कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं। पहलवानों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ब्रिजभूषण शरण के ऊपर जो है वो FIR जो है वो दर्ज होगी। कितने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्या लगता है अब हो पाएगी? कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो ये सरकार है ऐसी नकारा निकम्मी सरकार, हम तो 56 साल की उम्र में हमने तो देखा नहीं, क्योंकि एक मंत्री होते हुए और लड़कियों पर ऐसे हरकत कर रहा है, उसको शर्म आके डूब मर जाना चाहिए। और कल ये बच्चियां हमारे देश के लिए मेडल ले आई थी, जब ये कोई जाति या किसी धर्म से नहीं थी, आज यहाँ इन्होंने जाति के आधार पर भी लड़ाई करवाने लग रहे हैं, भाई ये उस जाति की हैं, उस जाति के हैं, लेकिन खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, या इस सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज बेटी बचा रहे हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं या आप इनके मंत्री से पूछो, आज ये कौन सी हरकत कर रहे हैं? सारा देश यहाँ इकट्ठा हुआ है, बच्चे, अपना खुद का बच्चा आप किस किस को बचाओगे? अगर ऐसे राक्षस इस होद्दा पर अगर रहेंगे तो हम बच्चियों को कैसे बचाएंगे? उसी बिनेश को 4 दिन पहले मोदी जी बोले थे आप हमारे घर की हो, हमारी बेटी हो, हमारे परिवार है, आज परिवार से 3 महीने से परेशान है, 6 दिन से सड़क पे है, आज आपका एक ट्वीट नहीं आया। किसी खिलाड़ी का उंगली में चोट लगने पे भी आपका ट्वीट आता था, आज कोई जवाब नहीं है। सरकार चला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, हैं पूरे देश को हालत खराब कर दी, झूठ मूठ के कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी नहीं है, ये अपने इज्जत दांव पे लगा रखी है, कह रहे हैं कि यदि आप जांच करो, यदि हमारी गलती हो तो हमें गिरफ्तार करो, नहीं तो ब्रिजभूषण गिरफ्तार करो। एक ये कुर्सी प्यारा ऐसा सरकार हमने नहीं देखा, सिर्फ सालों भर चुनाव के मूड में रहते हैं, चुनाव चुनाव वोट। अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 5-6 अपने शहीद हुए, और वो ये बाबूजी कर्नाटक में गए हुए हैं वोट मांगने। मैं कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ मैं एक टीवी दुकान पे था, जैसे ही हमला हुआ हमने बोला सरकार का किया हुआ है और सरकार बनेगी, और वही हुआ। ये सारा साजिश होता है, समझे, ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए चीज़ें कहते हैं। ऐसा घटिया निकम्मा सरकार कोई नहीं है, ये झूठ मूठ के कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे नहीं, ये बोलो अमीरों का विकास गरीबों का विनाश। अडानी को कर दिया अमीर, 90 रुपये का रिफाइन 150 का, और गरीबों को सड़क पे ला दिया। पाकिस्तान से भी नीचे वाली स्थिति में है भारत गरीबी में, और उनको 2 नंबर पे क्यों, तो शुक्र मना वो कौन सा है हिंडनबर्ग वाला, उनने इनको औकात दिखा दी। शर्म आना चाहिए, इतनी निकम्मी इतनी घटिया सरकार, इतनी झूठी सरकार। हाँ, हम अंध विरोधी नहीं के साथ में है, बच्चियों के साथ में है, जो खिलाड़ी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं उनके साथ में है, पूरी जनता। हाँ जी जरूर, इतना जनता है तभी तो पूरे देश से ट्वीट आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम भी ग्रेटर नोएडा से हैं, रहने वाले पटना के हैं, हमें लगा कि नहीं हमारी बहन है हमारी बेटियां, हमें भी जाना चाहिए। यदि हम आज ये खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल लाते हैं तो दुनिया में नाम होता है, तो ताली मारते हैं, आज सड़क पर तो कोई देखने वाला नहीं, ऐसा कौन सरकार है भैया? इसी खेल में आगे बढ़ोगे, साथ में बैठ के कहते हो कि हमारी बेटी बहन है, इसलिए कुछ मत कहिए। इतनी घटिया सरकार, कुर्सी प्यारी सरकार, कर्नाटक में भाषण देते हैं कि यदि यहाँ की सरकार नहीं बनी बीजेपी की तो दंगा होगा, इसका मतलब तो धमकी है कि हमारा सरकार नहीं बनेगा तो दंगा होगा। जैसे पहले अतीक अहमद कहता था, वो भी गुंडा था, हमें सरकार हमारी हमें सांसद नहीं बना तो गोली मार दोगे, ये भी एक आतंकवादी ही है। एक और उदाहरण समझिए कि इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं, अभी UP सरकार बनने से पहले बोले थे कि ये जो गाय और बिजार सांड जो फालतू जानवर घूम रहे हैं, जैसे ही सरकार बनेगी योजना लाएंगे कि हर आदमी एक गाय या बिजार को बांध देगा कि गोबर से कमाई होगी। एक गाय का गोबर यदि 1000 में बिकेगा तो 500 रुपये की खुराक ही और 500 रुपये अपनी मजदूरी होगा। 2 टाइम में 5 किलो गोबर आता है, 5 किलो गोबर 1000 का कब बिकेगा? 400 रुपये किलो ये सरकार गोबर खरीदेगी, सारे गोबर भरे पड़े हैं, समझे? ये गोबर गाय हिंदू मंदिर है, उसके बगल में मस्जिद बनेगा, कौन भाई साहब बनेगा मंदिर या मस्जिद बनेगा? एक मंदिर बनेगा, आपकी मनोकामना कभी बोलने दीजिए, आपको ही बोलने दें। मंदिर बन रहा है अयोध्या में, सॉरी मंदिर बन रहा है, उसके बगल में मस्जिद बन जाएगा, तो क्या हम सारे लोग वहाँ भीख मांगने जाएंगे? यदि भगवान और अल्लाह हर जगह है तो कहीं बैठ के पूजा कर लिया, और आपके कर्म काम करते हैं, पूजा से कुछ नहीं होता है। मंदिर करने पे, और मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना,
तो आप कैसे कर रहे, हमने बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया कि एफआईआर दर्ज होगी उससे संतुष्ट है। चंद्रचूड़ सिंह है जिनको नमन है, इन्हीं दो चार लोगों से लोकतंत्र बचा है, बनाया है। आप लोगों को इतना दबाया गया कि 146 नंबर पे मीडिया कर दिया इन लोगों ने, दबा दबा के बोलने नहीं देता। सतपाल मलिक पे सीबीआई भेज दिया, क्या क्या कितना बोलू क्या बोलू। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।